नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, ये मैसेज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शायद व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को पहुंच गया होगा, और जिसके पास नहीं पहुंचा होगा तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता दूं, या अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है तो मैं आप लोगों को यह मैसेज पढ़कर सुना देता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, या कहें गुड न्यूज आई है, और दोस्तों यह जो मैसेज है ये जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्या गुड न्यूज आई है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि PACL कंपनी से जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाएं। गुड न्यूज साथियों, आप सभी को मैं संतुलाल भारती, जनलोक प्रतिष्ठान विदर्भ समिति सचिव, सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है, क्योंकि कल तक 17 जुलाई 2018 जो डेट दिया गया था उस तारीख में एक कंपनी SDPL लैंड एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ 25,111 करोड़ रुपए का ऑफर कमेटी के पास रखा है। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सबसे पहले 29,000 जमीन की वैल्यू 2017 में सिर्फ 8,500 करोड़ निकाला गया था कमेटी की तरफ से, और आज वही जमीन की कीमत PSL कंपनी की तरफ से 20,000 और 23,000 करोड़ की बोली लगाई, और आज वही जमीन 25,111 करोड़ का हो चुका है, और नीलामी जितनी बड़ी होगी तो निवेशकों की जीत उतनी शानदार होगी। यानी कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा देने का निर्णय माननीय लोढ़ा कमेटी को लेना ही पड़ेगा। साथियों, बस वेट एंड वॉच, बहुत जल्द इतनी ही जमीन से पूरे PACL कस्टमर का पैसा वापस होना है। साथियों, इस बात की जानकारी जनलोक प्रतिष्ठान के तरफ से विशाल महत्रे सर सचिव से पता चला है। बस साथियों, अब कंपनी भी अपनी तरफ से रेट को बढ़ा सकते हैं, तो बस समय का इंतजार करो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PSL से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।